नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर गुरदासपुर से आ रही है। किसानों के हक में की गई रैली में पहुंचे फिल्मी अदाकार योगराज सिंह और गुग्गू गिल। गुरदासपुर में साडा पंजाब फेडरेशन की तरफ से किसान के हक में की गई रैली में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और फिल्मी अदाकार योगराज सिंह और गुग्गू गिल। इस मौके पर योगराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा किसानों के साथ की गई मीटिंग के आने वाले समय में अच्छे नतीजे निकलकर सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दूसरी मीटिंग की भी तारीख तय की है जो 18 नवंबर को होने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और अगर किसान है तो हम हैं, पंजाब है और देश है। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि ऑर्डिनेंस पर जल्द से जल्द कोई अच्छा फैसला लेते हुए किसानों को राहत देनी चाहिए। वहीं योगराज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब संविधान की कसम खाई थी तो उन्होंने पहले संविधान के सामने झुककर नमन किया था, तो अब उनको उसी संविधान की मर्यादा को कायम रखते हुए कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए जो सभी को मंजूर हो। वहीं इसी मौके पर फिल्मी अदाकार गुग्गू गिल ने कहा कि किसानों के हक में हर वर्ग को खड़े रहना चाहिए और केंद्र सरकार को भी किसानों के प्रति नरम रुख अपनाना चाहिए और कृषि ऑर्डिनेंस को लेकर खड़े हुए मसले पर दोबारा विचार करते हुए किसानों को न्याय देना चाहिए। वहीं उनका कहना था कि किसान संघर्ष में किसान जथेबंदियां जो भी फैसला लेंगी वह उसी फैसले के मुताबिक उनके साथ खड़े रहेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। मैं तीजी बारी गुरदासपुर आया और मैं बड़ी खुशी होंगी इतने आके, क्योंकि इतने एक जो लोग ने वो बड़े जज्बाती ने और गल में बड़े ध्यान सुनते हैं। एक गल नहीं है, एक गल की बड़ी खुशी हुई है मैं, और मेरा ख्याल उदा मैं वेलकम भी करता। आपको करना भी चाहिए कि आप 13 तरीक न साढ़े किसान जथेबंदियां गई सी, तो सरकार ने सेंटर सरकार ने 18 फिर उन्होंने बुलाया और मैनू उम्मीद है कि भी जेड़ा उत्थे मीटिंग होगी सरकार इस गल नू समझना चाहिए सरकार नू कि जेड़ा किसानों का मुद्दा है, कोई कल्ला पंजाब का नहीं, सारे हिंदुस्तान का। और मैनू बड़ी उम्मीद है कि 18 तरीक नू जद भी ये जथेबंदियां जाके उत्थे गलबात होगी तो कोई यहो जिहा सिट्टा निकलूगा, और सरकार नू सोचना चाहिए कि ये कोई आम मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आफ्टरऑल जेड़ा किसान है और या जिन्हें भी वर्ग के लोग ने हिंदुस्तान दे विच कल्ले पंजाब दे नहीं, ये मसला बड़ा गंभीर है और इस मसले के उत्ते कुछ एहो जिहा सिट्टा निकलना चाहिए जेड़ा कि दोनों तरह नू बहुत चंगा लगे। और मैनू उम्मीद है कि जब इस मीटिंग 18 तरीक तो बाद जब मीटिंग खत्म होगी और जब साढ़े किसान जथेबंदियां वापस आउणगियां तो एक बड़ा खुशी का माहौल होना चाहिए। मैं इस चीज़ में वेलकम इस करके करदा क्योंकि सरकार ने यह गल नू सोचिया कि सानू मान तान इज्जत पंजाब दे किसानों नू देनी चाहिए, जिन्हें दिती भी है। उस दिन 7 घंटे मीटिंग चली, दोबारा उन्होंने बुलाया। मैं उम्मीद करदा और मैं हाथ जोड़ के बेनती भी करदा सेंटर सरकार नू कि तुसी वाजिब लोग हो जिहड़ा हिंदुस्तान नू चला रहे हो, पंजाब भी थोड़ा हिस्सा है, असी भी थोड़े ही हाँ, तुसी साडे हो। थोड़ा जिहा जे तुसीं गौर करोगे इस गल्ल ते जिहड़े तुसीं बिल पास कीते ने, तुहानूं कितें महसूस होगा भी कितें तुहानूं गलती हुई है और उस गलती नूं सुधारन वास्ते। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि तुसीं अपनी थोड़ी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, पर तुसीं ये सोच के चलो कि किसान साढ़े अन्नदाता ने और अन्नदाता दे चरणा छमे चा सिर चुकाया जाता है। सो मैनूं उम्मीद है कि 18 तरीक नूं जद ये गल होगी तो एक बड़ा अच्छा माहौल बन के वापस आऊगा। ये उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए क्योंकि हर गल बातचीत गल्ला बातों ही पूरी होती है। एक मैं गल होर कहना चाहना, मैं प्रधानमंत्री जी नूं मोदी जी नूं ये अपील करना चाहना और कहना चाहना कि जब तुसी अपने अहुदा संभालिया सी पार्लीमेंट दे विच तुसी जिहड़ा संविधान है साडा उहदी किताब दे सामने मत्था टेकिया सी और तुसी कसम खाधी सी कि उस संविधान नूं तुसी हमेशा कायम रखोगे। मैनूं उम्मीद है उस संविधान साडे पुरखां ने, साडे वड वडेरिया ने, साडे सियाणे लोकां ने शहीदियां दे के आहूतियां दे के उस संविधान लिखिया है। और मैनूं उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी तुसी उस संविधान दी स्पिरिट है जिहड़ी
उस संविधान की जिहड़ी एक मर्यादा है उन्हें कायम रखोगे, उस मर्यादा ते ही सारा वर्ग टिकया होया हिंदुस्तान का। उस संविधान नूं जिहनूं आपां एक हिंदुस्तान का अहम किताब नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वर्ग नूं चलाउणा किवें, हिंदुस्तान नूं चलाउणा किवें है, उहदी कसम खा के तुसीं, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं उहनूं मद्देनज़र रखते हुए जरूर उहदी पालना करोगे। पंजाब भी तुहाडा ही है, असीं भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो साढ़े वाल जे तुसीं निगाह मारोगे या संविधान के थ्रू साडे नाल गल करोगे तो मैनूं पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान के सारे लोग, हिंदुस्तान दीआं सारीआं पार्टियां उस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए पंजाब के किसानां नाल, हिंदुस्तान के किसानां नाल इंसाफ होवेगा। पर मैं गल होर कहना चाहुंदा, जिन्नियां पार्टियां ने, दूजियां सारियां जिन्नियां भी ऑनरेबल पार्टीज़ ने या लीडर्स ने, तुसीं ना भड़काऊ बयान इहो जिहे ना दिओ जिहदे नाल काम खराब होवे। आपां आपस च बैठ के, भाईचारे च बैठ के, आफ्टर ऑल आपां जे सारे इकट्ठे होकर अपने बजुर्गों नूं मद्देनज़र रख के उस संविधान नूं विच मद्देनज़र रखदे प्रधानमंत्री जी ये गल करनगे, मैनूं उम्मीद है कि यह जिहड़ा मसला है यह बड़ी छेती सुलझूगा। जिहड़े किसान ने वह सारे ही वर्ग के लोग, आप किसान ही सीगे, अज तो 100 साल 150 साल पहला किसान ही है और किसान ही रहांगे, तो अपन उस मिट्टी की कसम होनी चाहिए है जिथे संविधान लिखा गया साढ़े बुजुर्गों के हत्थी जिहड़ी किताब लिखी गई है उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर इस गल नूं, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, बेनती है तुहानूं कि तुसीं इंसाफ करोगे क्योंकि तुसीं उस रहनुमा उस तख्त ताज के मालिक हो। और मैं उम्मीद करदा कि मेरी अपील नूं तुसीं प्लीज़ मद्देनज़र ना करें। सत श्री अकाल जी, अज असीं गुरदासपुर किसानी रोस धरने दे विच शामिल होण लई आए हाँ, जिहड़ा साडा मोर्चा चल रहा है किसानों वल्लों अपने भरावां दे नाल खड़े होण लई आए हाँ। साडे असली हीरो तो उही ने जिहड़े साडे जथेबंदियां दे आगू ने, और मैं अपील करदा सारे पंजाब नूं कि सारे इकट्ठे हो के इहदा साथ दिओ। और दूसरी गल इह है कि बिल्कुल शांतमय तरीके नाल, पुर अमन तरीके दे नाल आपां इस मजारे नूं, इस मोर्चे नूं जारी रखना, फिर ही आपां नूं कुछ मिल सकता। असीं नाल हैं जी, असीं पहले ही तुहानूं दस चुके हैं कि जो फैसला करना वो तो साडे जथेदारां ने करना, आगूआं ने करना, किसान किसानी आगूआं ने। तो बाकी आपां, मैं ही की सारा पंजाब सारा यूथ बड़ा साथ दे रहा है, सारे तो आपां उन्हां दे हिस्सेदार हैं इस एजिटेशन दे, लेकिन साढ़े असली आगू तो उही ने जो फैसला करनगे उहदे ते फुल चढ़ाउणे।